मैं श्रुति उमेश जाधव, माझी मुंबई स्पेशल आत्मनिर्भर चाह। हम अभी हैं महालक्ष्मी मुंबई में और यहाँ पे ये जो मोदी जी की पिक्चर लग रही है और आत्मनिर्भर चाह का एक स्टॉल दिख रहा है, बात करेंगे, चाय पी के देखते हैं और इनकी कहानी सुनते हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत से ये आत्मनिर्भर चाह का कॉन्सेप्ट के पीछे क्या स्टोरी है। तो आइए बात करते हैं। एक चाय लीजिए। ये आत्मनिर्भर चाय स्टॉल का जो आइडिया है कहाँ से आया? पंतप्रधान मोदी जी के मुद्रा योजना की प्राधान्य से मुझे ये सब मिला है। हाँ, कोविड के समय बहुत बुरा हाल था, मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी, तो उसके बाद में जैसे ही कोविड का समय शुरू हुआ तब से इनकम आना बंद हो गई। दोनों घर पे बैठे क्या करेंगे, तो मैं रोटी सब्जी बनाती थी। उसके बाद में मतलब बहुत बुरा हाल था, मेरे दो बच्चे पढ़ रहे। क्या तकलीफ, थोड़ा बताइए इसके बारे में। मतलब यही कि सब इनकम बंद हो जाने के बाद क्या होता है। बहुत बड़ी ऋणी हूँ मैं कि पंतप्रधान मोदी जी ने मुझे मुद्रा लोन का बहुत बड़ी मदद हुई है, फायदा हुआ है मुझे। कि मैं जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी वो मुझे मिला है, मैं कर सकती हूँ। मैंने ये सब घर में किया है, घर में बनाए, चार लोगों का बनाए, अभी 50 लोगों का, 100 लोगों का बना सकती हूँ। तो मुझे भी और औरतों को ऐसा बोलने का है, मतलब कि आप भी आत्मनिर्भर बन जाइए, खुद की पहचान बनाइए। जो पंतप्रधान मोदी जी है तो उनके योजना का लाभ लीजिए और आत्मनिर्भर बनिए। ऐसी ही कहानी है मुंबई कुर्ला की निशा जी की। मेरे को एक मेरे फ्रेंड ने बताया था, वो मैं घर में ही बैठी थी, मेरे को कोई रोजगार नहीं था, मेरे हस्बैंड भी अपंग है, तो मैं चुप गया, मेरे बेटे कॉलेज में है, मेरे को कोई नहीं, तो उसने मेरे को बताया, तभी मेरे को ये किया। मैं इसमें पहले घर पर हाउसवाइफ थी, इसलिए मेरे को कुछ नहीं था। मैं बहुत जन को बोला था मेरे को काम मांगता है, तो किसी का इतना नहीं आया। मेरे को लोन मिला, इसका मुद्रा लोन मिला था, अपना पंतप्रधान योजना मुद्रा लोन वो मिला था। सच्ची में बोलती है, योजना मिला है मोदी जी के मुद्रा योजना से, मैं बहुत अच्छे से सुख खा रही हूँ, अच्छे से मेरा सब कुछ चल रहा है। मेरे बेटे का भी अभी स्कूल का भी फी थोड़ा भरा है मैंने, पंतप्रधान मोदी साहब है, उसने रोजगार दिया तो ये तौर दिया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं मेरे खुद से पाँव से खड़ा हूँ, मेरा रोजी रोटी चल रहा है, मेरे को अच्छा भी रख लगा, किसी का गुलामगिरी करने को मेरे को मिला नहीं। मैं भी बोलेगी, जो भी मेरे को कोई पूछेगा तो मैं बोलेगी मेरे को ऐसा ऐसा मिला हो, आप भी करके देखो, आपको भी मिलेगा। खुद से पाओ से, दूसरे से गुलामगिरी करने से अपना खुद का रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अपना भी कुछ है, अपने पे भी कुछ डिमांड है, आप उनका दूसरे का सुनने का नहीं। मुंबई में खुले ये आत्मनिर्भर चाय स्टॉल से आत्मनिर्भर भारत को कितना बढ़ावा मिला है ये दिखाई दे रहा है। आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहा हुआ, उससे आत्मनिर्भर चाय स्टॉल जो यहाँ पे खोले गए हैं, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी है, रोज़गार के नए अवसर बढ़े हैं, अब ये दूसरों लोगों को भी रोज़गार देते हैं। और अभी तक कुल मुंबई में 60 से ज़्यादा ये चाय स्टॉल खोले गए हैं और इसमें अगर हम बात करें तो मैक्सिमम महिलाएं और ओबीसी समाज के लोग इसमें शामिल हैं, जितने लोगों को ये चाय स्टॉल खोल के दिए गए हैं। और प्रधानमंत्री की मुद्रा लोन, उससे इनको आर्थिक सहायता मिली है। तो आत्मनिर्भर चाय स्टॉल आत्मनिर्भर भारत का नया प्रतीक है। अगर आप मुंबई आएँ तो ज़रूर आत्मनिर्भर चाय का लुत्फ़ उठाएँ।